स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाएंगे सूजी का डोसा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे चावल का डोसा होता है। और देखिए अब हम बनाते हैं सूजी का डोसा। ये मैंने एक बाउल सूजी ली है और ये मैंने आटा लिया है और ये मैंने हाफ बाउल से ज़्यादा दही लिया है, ये मैंने पानी लिया है, ये मैंने मिक्सी के जार में अब हम एक बाउल सूजी डालेंगे और 2 टेबल स्पून मैं इसमें आटा डालूंगी और ये मैंने हाफ से ज़्यादा दही डाली है इसमें हाफ से, और ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें वाटर डाला है। अब इन्हें हम पीस लेंगे। देखिए पीस के लिए कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम एक बाउल में इसे निकालेंगे। ये थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। जार को धो के हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए पानी हमें सिर्फ इतना डालना है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका घोल किस तरह का होना है। देखिए किस तरह से, बस इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और ये मैंने नमक लिया है, ये धनिया लिया है, गरम मसाला लिया है, ये हल्दी है और ये मिर्च है और ये ग्रीन चिली है। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। गरम हो गया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता और रेड चिली भी डाल सकते हैं 2 साबुत। ये मैंने हल्दी डाली इसमें 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया डाला और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला। ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला इसमें और गरम मसाले में मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था और ये मैंने ग्रीन चिली डाली है, 1 ग्रीन चिली कट करके बारीक। और अगर आप रेड चिली डाल रहे हैं तो फिर ग्रीन चिली चाहे आप डालिए भी मत। देखिए हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ी देर भूनना है। देखिए इस तरह से क्रंची सी रखनी है हमें। चलिए अब हम सूजी का डोसा तैयार करते हैं। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से एक बार चलाएंगे। ये मैंने गैस पे तवा रख दिया है और मैंने इसको ग्रीस करूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। टिश्यू पेपर से मैंने सारे में फैला दिया है इसको और मीडियम लो करके गैस, मैंने इस पर थोड़ा सा पानी के छींटे दिए हैं क्योंकि हमारा तवा गर्म है तो उससे थोड़ा हम ठंडा हो जाएगा। और अब मैंने ये एक बड़ा चम्मच रहा इस पर डाला है और इसको हम धीरे 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 ही गोल घुमाना है ताकि ये हमारा डोसा ख़राब ना हो। देखिए ये सूख गया है और इस पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं और ना चाहें तो ना सही, क्योंकि ये अपने आप ही बहुत अच्छी तरीके से उठ जाएगा पकने के बाद अच्छे से। हमें थोड़ा सा फ्लेम चाहिए इस टाइम पर, हम थोड़ा हाई कर लें। देखिए ये हमें देखते रहना है कि हमारा अगर जलने का या कुछ इस तरह से हो रहा है तो फ्लेम मीडियम कर ले और जो सही वो है तो हमें थोड़ा सा हाई रखने में भी कुछ नहीं है जब हमारा डोसा बन रहा है। देखिए ये बन गया है, अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। देखिए इस तरह से ये प्याज की स्टफिंग बड़ी अच्छी लगती है, इसे आप ज़रूर इस तरह से करके देखना। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए ये बनकर रेडी हो गया। आप इसे चटनी के साथ या सांभर के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।